हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में जितने भी नए अपडेट्स आ रहे हैं और जितनी भी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है या फिर इन्वेंशन हो रही है उसके बारे में रेगुलर अपडेट रखूँ और उसकी टेक्निकल डिटेल्स भी बताऊँ। और आज की वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि जुड़ा हुआ है टेस्ला के बैटरी डे के कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेस्ला ने बैटरी डे पर कुछ मेजर अनाउंसमेंट किए हैं, जिनमें से एक है नए सेल का लॉन्च जो कि होने वाला है 4680 सेल। अब हम आज के वीडियो में इस सेल के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, इस सेल की टेक्निकल डिटेल्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि बेस्ट मेरे नॉलेज में अवेलेबल है अभी तक। साथ ही हम लोग बात करेंगे टेस्ला की नई अपकमिंग लो कॉस्ट कार्स की जो कि होने वाली है $25,000 के आसपास की। और जब हम बोलते हैं $25,000 तो इसकी कॉस्ट हो जाती है हमारी इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 18 से 19 लाख रुपए के आसपास की। यानी कि ये जो आने वाली नई कार्स हैं टेस्ला की, उनकी कॉस्ट इंटरनल कम्बशन इंजन के इक्विवेलेंट या उससे थोड़ी सी कम ही होने वाली है अगर हाई परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे 4680 सेल के बारे में और कैसे टेस्ला अपनी आने वाली कार्स की कॉस्ट को कम करने वाली है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं टेस्ला की नए मेजर अनाउंसमेंट्स की टेक्निकल डिटेल्स। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि है टेस्ला का नया आने वाला सेल, जिसको कि कंपनी ने नाम दिया है 4680 सीरीज सेल। अब अगर इस सेल के बारे में पर्टिकुलर बात की जाए तो कंपनी का ऐसा क्लेम है कि ये जो आने वाला नया सेल बैटरी है उसकी जो पावर डेंसिटी होने वाली है वो होने वाली है 6 times और एनर्जी डेंसिटी होने वाली है 5 times। यानी कि सेल का परफॉर्मेंस आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा होने वाला है। इसके बाद अगर सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो वो ये है कि इस सेल का साइज़ बड़ा होने वाला है और ये जो सेल का डायमेंशन कंपनी ने डिस्क्लोज़ किया है कि इसकी लेंथ होने वाली 80 mm के आसपास और इसका डायमीटर होने वाला है 46 mm के आसपास। यानी कि ये सेल साइज़ में हमारे लिथियम आयन सेल से काफ़ी बड़ा होने वाला है। अब अगर दूसरे इंटरेस्टिंग पैरामीटर की बात की जाए तो कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि इस नए सेल की वजह से कंपनी की जो ओवरऑल बैटरी पैक की कॉस्ट है वो तकरीबन 14% के आसपास कम हो जाएगी। यानी कि इसकी बैटरी पैक की कॉस्ट काफ़ी कम होने वाली है और इसी के साथ साथ इस सेल्स को कंपनी अगर यूज़ करती है तो उसकी ट्रेवल रेंज तकरीबन 16% के आसपास बढ़ जाएगी अभी की एग्जिस्टिंग बैटरी पैक के कंपटीशन में। यानी कि सेम वजन की बैटरी को यूज़ करते हैं बैटरी पैक को तो भी इस सेल की वजह से 60% की रेंज बढ़ जाएगी। इसके बारे में हम लोग आगे और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। अब अगर टेक्निकल पॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल में बात करें, सबसे इंटरेस्टिंग टेक्निकल पॉइंट जो इन सेल का है वो है इन सेल का यानी कि नए 4680 सीरीज सेल का थर्मल कूलिंग मैनेजमेंट सिस्टम। कंपनी का ऐसा क्लेम है कि इन सेल का जो टेम्परेचर राइज है यूज़ के टाइम पर, हायर चार्ज और हायर डिस्चार्ज के टाइम पर, वो काफ़ी कम होता है और कूलिंग काफ़ी इफेक्टिव होती है। और इसी के साथ साथ इन सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी काफ़ी कम है। यानी कि ओवरऑल इन सेल के टेम्परेचर राइज को काफ़ी कंट्रोल किया गया है। इसके जो मेजर रीज़न बताया गया है कंपनी के हिसाब से, वो बताया गया कि इस सेल में चार्जिंग डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो काफ़ी शॉर्टर पाथ में होता है अगर अभी के कंपेयर करें हम लोग लिथियम आयन सेल के कंपेरिजन में। तो दोस्तों, बेसिकली चीज़ आ गई है सबसे रिवोल्यूशनरी डिज़ाइन पॉइंट की, जो कि है टेबलेस डिज़ाइन। यानी कि इस सेल में नेगेटिव और पॉजिटिव टेप्स को हटा दिया गया है ताकि ओवरऑल सेल का परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव हुआ ही हुआ है, साथ ही उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया है। इसी के साथ साथ इन सेल में का जो कूलिंग मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव हो गया है। और इसके बारे में अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये टेबलेस डिज़ाइन है क्या, तो उसके ऊपर ऑलरेडी एक मैं डिटेल्ड में वीडियो बना चुका हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि ये टेबलेट डिज़ाइन क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट है। और मेरा ये मानना है कि आगे जाकर सभी सेल में आपको, भले वो लिथियम आयन सेल हो या अपकमिंग नई सेल टेक्नोलॉजी है, आपको ये टेबलेट डिज़ाइन देखने को मिलेगा। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ मेरा वीडियो ज़रूर देखें, जिसका कि लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं हमारी सेल की लाइफ को लेकर, उसकी कॉस्ट को लेकर और उसके परफॉर्मेंस को लेकर। इसके अलावा और दूसरे बेनिफिट्स की बात करें जो कि टेबलेस डिज़ाइन की वजह से होने वाली है, उसमें यह है कि टेबलेस डिज़ाइन की वजह से सेल के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पर जो होती हैं वो और ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग सेल के अंदर से टेब रिमूव कर देते हैं तो हमारे सेल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाती है, चूँकि फॉइल के साथ टेब की वेल्डिंग अपने आप में काफ़ी क्रिटिकल
पार्ट होती है और काफ़ी वीक जॉइंट क्रिएट करती है। इसकी वजह से सेल का टेम्परेचर राइज भी होता है, ओवरऑल टेम्परेचर आपका कंट्रोल हो जाता है सेल का। तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपके जो सेल की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और आपको हायर सर्विस लाइफ मिलती है आपके एग्जिस्टिंग सेल में ही। तो दोस्तों टैबलेट डिज़ाइन के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो प्लीज़ मेरा वीडियो ज़रूर देखें। अब बात कर लेते हैं सेकंड मेजर अनाउंसमेंट की, जो कि ये टेस्ला की नई आने वाली कार की, जो कि जुड़ा है उनकी कॉस्ट से। और कंपनी का ऐसा क्लेम है कि उसकी आने वाली नेक्स्ट जेन कार्स जो हैं इलेक्ट्रिक कार, वो होने वाली है तकरीबन $25,000 की। यानी कि टेस्ला अब नए सेगमेंट में उतरने वाली है, लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट, जो कि अभी की टेस्ला की पॉलिसी के थोड़ा बहुत अगेंस्ट है। अब दोस्तों इसको समझते हैं कि टेस्ला कैसे इस प्राइस को कम करने वाली है। अब अगर हम लोग टेस्ला की अभी एग्जिस्टिंग कार के देखें तो उनका जो मेजर पोर्शन है वो जाता है बैटरी पैक की कॉस्ट में। मान लीजिए अगर टेस्ला 1 करोड़ की कार बनाती है तो उसका 60% पार्ट यानी कि तकरीबन 60 लाख यानी कि 60 लाख के आसपास का जो कॉस्ट है वो उसका हो जाता है बैटरी पैक का। अब टेस्ला यहाँ पर कॉस्ट को मेजरली कम करने वाली है और वो होने वाला है उसके नए 4680 सेल के डिज़ाइन से। क्योंकि इन सेल में एक तो आपको कॉस्ट रिडक्शन होने वाला है इफेक्टिव 40% के आसपास का, यानी कि अगर आपकी कार मान लीजिए 50 लाख के आसपास की है तो 40% का कॉस्ट इफेक्टिव हम लोग पकड़ें तो हो जाएगा तकरीबन 43 लाख रुपए के आसपास का इफेक्टिव रिडक्शन। फर्दर क्योंकि इन बैटरी पैक से अभी के बैटरी पैक के कंपटीशन में आपको 16% ज़्यादा रेंज मिलने वाली है। तो फर्दर अगर हम लोग मान लें कि सिमिलर रेंज हम लोग यूज़ करते हैं या फिर थोड़ी सी लोअर रेंज में चले जाते हैं तो फर्दर आपका इफेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है। लोअर रेंज में भी जाते हैं तो 20-25% का ओवरऑल अगर हम लोग कंबाइन करें तो काफ़ी इफेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है। और थोड़ा बहुत अगर परफॉर्मेंस में हम लोग सेक्रीफाइस करें, क्योंकि टेस्ला नए सेगमेंट में आने वाली है जो कि होने वाला है लो पावर सेगमेंट, तो ऑब्वियसली पावर ट्रेन की कॉस्ट में भी रिडक्शन होगा। तो काफ़ी कुछ पॉसिबल हो जाता है टेस्ला के लिए $25,000 की कार को लॉन्च करना। अब अगर हम लोग $25,000 की कार की बात करें तो अमेरिका या इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखें तो काफ़ी कुछ एक इंटरनल कम्बशन इंजन के इक्विवेलेंट हो जाती है। उसके पावर परफॉर्मेंस को अगर मैच भी करें तब भी इसका कॉस्ट काफ़ी कुछ आईसी इंजन बेस्ड कार के इक्विवेलेंट आ जाता है, यानी कि अभी की कार से काफ़ी कम तो है ही। साथ ही अब ये पेट्रोल और डीजल कार को भी काफ़ी क्लोजली कम्पीट करने वाली है। अगर हम लोग इंडिया में इसके प्राइसिंग की बात करें तो अगर कंपनी $25,000 में इंडिया में लॉन्च करती है उसकी मिड सेगमेंट की इस कार को, तब भी ये हमको पड़ने वाली 18 से 19 लाख के आसपास की। हालांकि इसमें इंपोर्ट ड्यूटीज और बाकी खर्चे मैंने ऐड नहीं किए, बेसिक कॉस्ट ऐड किए, तब भी इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव होने वाली है हमारे अभी के आईसी इंजन बेस्ट कार की, इलेक्ट्रिक कार की हमारे देश में तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो आने वाले कुछ सालों में टेस्ला काफ़ी बड़े मार्केट को कवर करने वाली है और हमारे लिए भी एक होप प्राइस होती है कि 30 होने वाले सालों में टेस्ला की इस टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकता है हमारे देश में भी कुछ मेजर रिवोल्यूशन आए, या फिर आने वाले सालों में अगर टेस्ला इंडिया में आती है अपनी लोक इस कॉस्ट सेगमेंट के साथ, तब भी हो सकता है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक कार को पॉपुलर करने में काफ़ी कुछ हेल्पफुल हो सकती है टेस्ला की नई टेक्नोलॉजी। और मेरा ये भी क्लेम है कि आपको आने वाले सालों में टेस्ला के इस सेल के जो नया टैबलेट डिज़ाइन है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी और काफ़ी सेल में आपको एक कॉमनली मिलने वाला है नया टैबलेट डिज़ाइन टेस्ला का। हालांकि अभी तक टेस्ला ने अपने इस आने वाले नए 4860 सेल के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स दी नहीं है एक्सेप्ट उनके डायमेंशंस के बारे में और इस सेल के टैबलेट डिज़ाइन के बारे में, जो कि काफ़ी रिवोल्यूशनरी है। और इसके ऊपर मैं काफ़ी पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि ये होता क्या है और कैसे काम करता है टैबलेट डिज़ाइन। इसके अलावा इसकी केमिकल कंपोजिशन यानी कि इन सेल की केमिस्ट्री के बारे में कंपनी ने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है अभी तक, और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होगी तो मैं डेफिनेटली आने वाले अगले वीडियोज़ में आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूँगा।